सर, तो आज के इस ओपनिंग के बारे क्या कहना चाहेंगे? आपके जुरिस्डिक्शन, आपके कह सकते हैं कि आपके नेत्र के अंदर में अभी एक बहुत ही यंग लेडी ने अपना वेंचर शुरू कर दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज यहाँ एक डेंटल केयर सेंटर यूनिट खोला है, हमारा एक्चुअली के लिए गर्व की बात है। ये फर्स्ट इन आर एरिया अंदर मई सब डिविजन, तो मैं सबसे पहले मैं जो डॉक्टर को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कन्वे करता हूँ, उसका पेरेंट्स को, उसका रिलेटिव्स को, कि ये बहुत एक अच्छा काम किया है, नोबल जॉब है। और ये आज ये अभी छोटा सा एक यूनिट खोला है, लेकिन आफ्टर 4-5 years ये एक बड़ा अपग्रेडेशन होगा, तो इसलिए मैं ये लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कन्वे करता हूँ। और साथ में मैं मेरा यही सजेशंस होगा कि ह्यूमन सर्विस, जो ह्यूमैनिटी का जो सर्विस है वो मेन होगा, क्योंकि वो अगर आप शुरू से मॉर्निंग सोर्स द डे अगर आप शुरू से अच्छा करेगा तो यू विल फ्लाई हाई। तो यही मेरा अनुरोध होगा, ये अच्छा करेंगे। और साथ में हम सोचता है कि हमारा ये सब डिवीज़न जो है, एक्चुअली सब डिवीज़न एक एडीसी इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर है, प्लस डिविजनल कमिश्नर का भी हेडक्वार्टर है। एंड अभी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का एक्चुअली सब डिवीज़न में बहुत सा चीज़ अपग्रेडेशन होने वाला। यहाँ आपका बहुत सा ऑफिसेस आ गया और बहुत ऑफिसेस आएगा भी, तो इसलिए यहाँ सर्विस अच्छा होना है, प्लस यहाँ का पब्लिक को सेवा करने के लिए कोशिश करना है। हमारा जो डेंटल जो यूनिट खोला है, हमारा आदमी को कुछ दांत अगर कोई तकलीफ होने का वजह से बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा। अभी हमारा डेंटल यूनिट यहाँ डोर स्टेप में खुला है, तो इसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। उसको हमारे लोकल आदमी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसको एडवांटेज लेके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आना है। थैंक यू वेरी मच। मेरी बहन है मरसूम जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और पिताजी अच्छा जिंग और माँ जुमशी, ये डॉक्टर पढ़ाने में तो कमती नहीं है, बहुत खर्च होता है, तो कोई MBBS करने के लिए तो सब लोग कर नहीं सकता है, कम लोग करता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत माँ पिताजी, बहुत अच्छा माँ पिताजी है, उसको मैं थैंक यू देता है। उसके बाद मैं यहाँ का जिला परिषद के नाते है, तो यहाँ सिर्फ एक्चुअली में एक PHE है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अभी तक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है। फिर उसको भी हम लोग स्टेप ले रहा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाएगा बोल के। फिर हम चाहता है कि यहाँ PHE में कवर नहीं होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो ये एक सेंटर बन जाता है। ये जीरो, यहाँ से 0.22 किलोमीटर है, तो अभी सामने जितना करता है इतना हमारे लिए काम आता है। तो अभी आजकल देखने में ये छोटा छोटा बच्चा लोग के बहुत दांत जो ना, दांत का ज़रूरी है उसमें केयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो अभी छोटा छोटा बच्चा लोग ये क्या होता है, दुकान से कुछ कुछ लेके खाते रहता है, मिठाई उठाई खाता है, इसके वजह से होता होगा शायद, ये दांत का ये कीड़ा मकड़ा खाते रहता है, तो इसके लिए हम लोग दूर ले जाना पड़ता है। यहाँ से ईटानगर जाना है, आप जीरो जाना है, तो यहाँ सामने में कर दिया तो बहुत अच्छा बात है, मैं वेलकम करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबको मैं यहाँ का जितना जनता लोग से मैं ये अपील है, आप लोग यहाँ आइए, यहाँ में ये डेंटल क्लिनिक खोल दिया, तो आप चिंता करने का ज़रूरत नहीं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर मैसम, जोराम मैसम, स्टार्टिंग ए डेंटल केयर सेंटर एट एक्चुअली हेडक्वार्टर। अब देखो इधर में स्कोप्स, उनके लिए भी एक सर्विस देने के लिए एक स्कोप अदा तो सही है, जैसे कि इधर में बच्चा ये JNB का है, डॉन बोस्को का है, और कहीं सा स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स भी ओवर है, गवर्नमेंट स्कूल है, पॉपुलेशन एक्चुअली बढ़ रहा है और अर्बन एरिया बढ़ रहा है, कॉलेजियन है, और ये पॉपुलेशन होगा रहा,
हमारा डेंटल के लिए हमको ट्रीटमेंट जीरो भागना पड़ेगा, ईटानगर भागना पड़ेगा। इट विल सेव टाइम, इक्विपमेंट इज एवरीथिंग सेम। आप दिल्ली में जाने से भी, गुवाहाटी जाने से भी, नाहरलगन जाने से भी, इक्विपमेंट सेम है, डॉक्टर सेम एक्सपीरियंस है। तो ये बच्चा जो दांत का प्रॉब्लम एक्चुअली में होगा, पेरेंट्स लेके ईटानगर भागना पड़ेगा, वो जो चीज़ अभी टाइम बच जाएगा और पैसा बच जाएगा। मेरा तरफ से मैं ये सबको ये करता है, दिस इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। और डॉक्टर को मैं ये बोला है, फर्स्ट ह्यूमन सर्विस देना है, सबको अपील किया है, लेट्स एक्सपीरियंस दिस जुमसी डेंटल केयर सेंटर एट एचली। थैंक यू अरुणाचल एक्सप्रेस। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं मिस डॉक्टर जोरम मेसुम जी, जो कि इस क्लिनिक के यानी जुमसी क्लिनिक डेंटल क्लिनिक के ओनर एंड अभी यहाँ के पूरे ओवरऑल इंचार्ज डॉक्टर रहेंगे। और पर्सनली मैम, वेरी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। तो हम पहले तो जानना चाहेंगे कि आपकी इस जुमसी डेंटल क्लिनिक में जो बेसिकली तो डेंटल के ऊपर होगा, तो अभी कब से सर्विस देगा और क्या क्या के ऊपर स्पेशलाइज होगा, थोड़ा बताएंगे। सर्विस के बारे में पूछा है तो आई लाइक टू टेल कि सर्विस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सिंस लास्ट 3 डेज और टुडे इज द ओनली ओपनिंग। आज के लिए सिर्फ ओपनिंग है, ओपनिंग सेरेमनी थोड़ा पब्लिसाइज करने के लिए, हम लोग का लोगों को बताने के लिए दैट आपका क्लिनिक भी यहाँ पे आपका घर पे ही आ गया है, देन यू कैन कम एंड अवेल द सर्विसेज। और सर्विसेज आपका एवरीथिंग जितना हम लोग सर्विस करता है, आपका दांत बनाने का, वॉशिंग, क्लीनिंग जो भी आपका करता है, ब्राइटनिंग एंड ऑल, वो सब करेगा। और कुछ कुछ चीज़ में थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग एट जितना हम कर सकेगा, एट द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी हम करने के लिए कोशिश करेंगे। वन थिंग लाइक आई वांट टू नो इज कि हमने आज तक जितना देखा है, कोई लोग डिग्री हासिल कर लेने के बाद अपना जो शुरुआत होता है कैपिटल रीजन से करना चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो आपका जो ये एरिया है जो याचुली है, तो अभी फिलहाल इतना कैपिटल नहीं हुआ है यहाँ, तो प्रॉफिट अब इतना मिलेगा भी नहीं, तो आपने बस्ती एरिया को क्यों चुना? आफ्टर ग्रेजुएशन हाँ सबको देखा है कैपिटल इज़ वेरी लुक्रेटिव, बट फॉर मी मेरा अपना ये है कि आई वांट टू प्रोवाइड जितना भी अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू माई ओन पीपल। आई वॉज बोर्न एंड ब्रोटअप हियर इन याचुली, माई विलेज इज सेट जीरो, लेकिन आई वॉज बोर्न एंड ब्रोटअप हियर एंड आई वेंट टू स्कूल हियर ऑल्सो टिल क्लास 10। सो आई वॉन्ट टू गिव माई सर्विस जितना मैंने पढ़ा है, एक्चुअली ईटानगर में भी काम किया है, बट आई वॉन्ट टू प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर। ओवरऑल हेल्थ केयर आप जितना देगा, दैट इज पूरा ओवरऑल हेल्थ केयर, मतलब पूरा दांत भी इंक्लूड होना चाहिए। तो आई वॉन्ट टू गिव दैट, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड दैट हेल्थ केयर टू माई ओन पीपल, ताकि उनको अफोर्डेबल हम लोग एक्सेसिबल उन लोग आ सके यहाँ पे। इट्स अ ग्रेट इनिशिएट, लेकिन इसमें आपको बहुत लॉसेस भी हो हाँ. सकता है, आपने कैसे सोचा है? यस, आई हैव थॉट अबाउट इट, सोचा है, प्लान बी भी बना के रखा है, बट आई होप सो इट विल वर्क। और हमको भरोसा है अपने लोगों पे दैट दे विल सपोर्ट मी और ये एक सक्सेस होगा, आई रियली बिलीव दैट। एक्चुअली क्लास 10 तक तो यहाँ हम लोग डॉन बॉस्को में पढ़ा है, एक्चुअली डॉन बॉस्को का है, एंड देन आफ्टर दैट आई वेंट इट नाहरलगन KV1 में गया है, 11-12 प्लस 12 किया है वहाँ पे। देन आफ्टर दैट आई वेंट डायरेक्टली टू कॉलेज, मेरा BDS का मिला था राजस्थान में, सो आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो वहाँ से ग्रेजुएट करके फिर यहाँ आ गया, फिर एक्चुअली 2 साल में आई वॉज वर्किंग इन ईटानगर, मैं वहाँ पे काम कर चुकी हूँ, इट्स वेरी लुक्रेटिव, आई नो दैट, मैं काम कर चुकी हूँ वहाँ पे। आफ्टर वर्किंग एटलीस्ट 2+ years, तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग का लोगों को भी क्योंकि इधर से उधर जाना पड़ता है, उन लोगों को दे हैव टू गो अराउंड हियर एंड देयर, उनको कोई अफोर्डेबल, कोई एक्सेसिबल उन लोग के पास है नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आई विल गिव माई नॉलेज एंड माई एफर्ट मेरे लोगों को। तो इसीलिए मैं डिसाइड किया कि इस साल मैं डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे अपना याचुली पे खोलूंगा। तो फाइनली आपने इतने मेहनत के बाद अपना एक छोटा सा प्यारा सा वेंचर खोलने जा रहे हैं, जो कि इन रिटर्न अपने ही मेहनत को आप अपने लोगों पर बांटेंगे, आगे जाकर सर्व करेंगे, तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी लग रहा है, थोड़ा नर्वस भी है, पर आई नो कि हम लोग का यहाँ का आदमी लोग दे विल एक्सेप्ट जो भी मैं कर रहा है, तो आई एम हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी।
ओके, तो अभी तक यहाँ तक आपको पहुँचने में डेफिनेटली परिवार सबसे ज़्यादा सपोर्टिव दिखाता है। यस yes. तो क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपने सपोर्टर? मैं तो अपने एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को, दे आर माई स्पॉन्सर्स, वन एंड ओनली स्पॉन्सर्स, मैं उनको बहुत ग्रेटफुल हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। उनके बिना आई थिंक आई वुडंट बी हियर टिल टुडे, जहाँ पे भी मैं हूँ। विदाउट देयर सपोर्ट एंड देयर लव एंड माई फैमिली ऑफकोर्स, माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, आई हैव अ ह्यूज बिग फैमिली, देयर उनके सपोर्ट के बिना तो आई वुड हैव नॉट कंकर्ड एनीथिंग। तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, एंड प्लस उनको भी मैं सर्विस देने वाली हूँ। सो ओके, लास्टली अगेन कंग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर वीविस की, आपका जो प्यारा सा जुमसी क्लिनिक डेंटल है, आगे जाके बहुत सारा नाम के साथ साथ काम के साथ साथ आपको आगे बढ़ाए और लोगों को भी प्यार दे। थैंक यू वेरी मच। तो अने अबू, पर्सनली वेरी कंग्रेचुलेशन आप दोनों को। हाँ, थैंक यू। ओके, तो अभी आपके डॉटर ने आज क्लिनिक शुरू कर दिया जो कि आपके नाम से है। हाँ, तो एज ए मदर फादर आपको कैसा लग रहा है बताइए थोड़ा। ये तो खुशी का बात है। जब मैंने छोटा समय से कोई एम्बिशन नहीं था इनको ऐसे पढ़ाएगा बोल के ना, लेकिन बाद में जाके उन्होंने जो सब्जेक्ट था, जो डेंटल कोर्स को ख़त्म किया है, तो होने का बाद आज ऐसा मंजिल तक, मकाम तक पहुंचा है, हम बहुत खुशी, अन आपका हिसाब से बहुत खुशी लग रहा है। और आपके डॉटर ने ये जो क्लिनिक है उसको टाउन एरिया में नहीं पहुँच, नहीं कॉल कर, क्योंकि यूजुअली आदमी लोग वहाँ खोलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, लेकिन अपना बस्ती एरिया में खोला है आपको? नहीं, देखिए ये फायदा का बात नहीं है, इट इज़ अ साइन ऑफ डेवलपमेंट। एक यचुरी जैसा एक स्थान में एक डेंटल खोलना, एक भी डेंटल एरिया में नहीं है, इसको इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा, चाहे हम अपना प्रॉफिट का बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेवलपमेंट का बात आ रहा है। ऐसा ऐसा हमारा भी यहाँ भी ऐसा है बोल के कुछ ऐसा डेवलपमेंट आ रहा है, तो ये खुशी का बात है। तो अने, आज जो क्लिनिक का नाम है आपके नाम से है, जुमसी डेंटल क्लिनिक। हाँ। तो अभी बताइए आपको कैसा लग रहा है? आलदो अब खुलना में नाम पिंसो खुलना में मुलुक सो कु चेमा चेमा बोंगम अन्योंग काग लाइल सीब इंजीनरा पोर लाइल सीब लिम लिटालिन हल मुम दब मल हो नाम पिंसो गो सीब क्लिनिक कम खुलताई खुलतकल बेंपा हो मे खुल जिपा गो आलदो हेम्पदो। तो हम यहाँ आए हैं तो आपसे ये हेल्थ के, हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा जान ही लेते हैं, क्योंकि ये पहला आपने बोला डेंटल क्लिनिक है, राइट? हाँ जी। तो और भी यहाँ मतलब अगर कुछ तकलीफ है जैसे कि अदर जो मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से होना चाहिए, क्या क्या तकलीफ है थोड़ा बता दें। ये तो तकलीफ तो बिल्कुल है डेंटल, स्पेशल डेंटल सब्जेक्ट में, दूसरा सब्जेक्ट में तो डॉक्टर तो है ही, लेकिन डेंटल में इधर नहीं है। आपका ये जो PHE है वो ये पब्लिक हेल्थ सेंटर, उसमें भी कोई डेंटल का प्रोविज़न नहीं है, तो यहाँ से लोग क्या करता है, जीरो चला जाता है, जीरो 30 किलोमीटर से, यहाँ से ईटानगर तो आपको मालूम है इतना दूर है। तो ये जो बुरा बुरी है अनएजुकेटेड लोग जिसका पास पैसा, इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा ख़राब है, वो लोग जा नहीं पाता है। तो अभी देखने में ये जो है बिल्कुल मतलब सही है और सही खुला है, इसलिए मेरा ख्याल से ये अच्छा होना चाहिए। ओके, लास्ट जाते जाते जितने व्यूअर्स हैं स्पेशली जो आपके एरिया के लोग होंगे उनको क्या मैसेज अपील? हाँ, मेरा पब्लिक से यही अनुरोध करूँगा कि आप जीरो जा नहीं पाएंगे, आप ईटानगर जा नहीं पाएंगे, हर किस्म का फैसिलिटी ये जुमसी डेंटल केयर में हम लोग इस्टेब्लिशमेंट है, आप यहाँ आइए आके, आपका पैसा वैसा का कोई खर्चा बाहर जाने का जरूरत नहीं, आप आइए, आप ट्रीटमेंट कीजिए। धन्यवाद।